पॉइंट ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर हफ्ते के अंदर वो कौन सी खबरें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिनसे लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि इस पे अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहली खबर जो इस हफ्ते की टॉकिंग पॉइंट बनी वो है NSG जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। सवाल ये उठा कि ये खबर क्यों बनी। खबर इसलिए बनी सर क्योंकि भारत चाहता है अपना एक परमानेंट मेंबरशिप इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस ग्रुप का इतिहास क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर बात करें तो इसके इतिहास की तो 1974 में एक ग्रुप बना जिसका नाम था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो कि क्रिएट किया गया भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पॉन्स में। मई 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी जी के प्राइमरीशिप में तो दुनिया के देश को लगा कि हमें अब कोई कायदा कानून देना पड़ेगा जिससे भारत समेत अनेक देश उसे फॉलो करें। इस ग्रुप का अगर मकसद है इस ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर वो संस्थान है जो परमाणु आपूर्ति करता है। इन संस्थान का एक मकसद है कि वो जो न्यूक्लियर सप्लाई न्यूक्लियर वेपन्स का जो खरीद फरोख्त है एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जो तकनीक का एक यूज है उस पर कुछ मानदंड पेश करना उसके आपूर्ति पर और उसके उसके यूसेज पर कुछ गाइडलाइंस पेश करना। तो ये एक मकसद था इस एनर्जी ग्रुप का। अगर बात करें इसके इतिहास की तो 1976-77 से पहले एनएचजी के अंदर सिर्फ 7 देश थे कनाडा जर्मनी फ्रांस जापान यूके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। 75 के बाद 15 देश और जुड़े जो थे बेल्जियम जर्मनी इटली नेदरलैंड्स पोलैंड स्विट्जरलैंड और स्वीडन। और अगर वर्तमान में बात करें तो 48 देश इस एनएसजी ग्रुप का हिस्सा हैं और भारत भी कोशिश कर रहा है इस ग्रुप के अंदर अपना हिस्सा अपने को एक परमानेंट मेंबरशिप देना। अगर दोनों के रिश्ते की बात करें तो 2010 में जब यूएस के राष्ट्रपति भारत आए तो एक आधिकारिक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि यूएस सपोर्ट करेगा भारत को ताकि उसे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए एनएसजी के अंदर। तो करीब 6 साल पहले की बात है सर। उसके बाद कई और कंट्रीज ने भी भारत को एनएसजी सपोर्ट करने की बात कही जिनमें फ्रांस है यूके है जापान है स्विट्जरलैंड है रशिया है और जून 2016 में मेक्सिको ने भी कहा कि वो भारत को सपोर्ट करेगा और हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी कहा था कि भारत सपोर्ट करेगा। तो कई कंट्रीज हैं जो भारत को सपोर्ट करने में आगे आई हैं पर कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान जाहिर सी बात है और चाइना वो नहीं चाहते कि भारत एनर्जी के अंदर आए ताकि वो जो एक पावर वो जो एक तमाम रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे भारत के लिए परमाणु आपूर्ति करने में उसको ना तो पाकिस्तान चाहता है और ना ही चाइना। इसलिए ये बन गया हमारा टॉकिंग पॉइंट। अगर अगली सुर्खी की बात करें जो टॉकिंग पॉइंट बनी वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट हर महीने का आता है और इस बार पिछले बार की तरह कुछ सेम था। सेम क्या था सर? पिछली बार अगर आपका जो WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो जो था पिछली बार 0.34% और इस बार हो गया सर वो 0.75% 0.79%। तो इस बार अंतर ये आया सर कि जो होलसेल गुड्स हैं जहां पर वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है जब उसे खरीदता है उसको जो असर पड़ता है जो देश की इकोनॉमी का असर जो पड़ता है उस इन्फ्लेशन रेट में क्या आया सर? असर आया अगर हम अधिकार जो एक परिभाषा है WPI उसको बता दें तो एक ऐसा सूचकांक होता है जो बताता है कि कुल कितनी मूल्य वृद्धि हुई है उन होलसेल गुड्स में एक समय काल के अंदर। अगर वो समय काल एक महीने का हो तो एक महीने के अंदर। तो अगर उसकी बात करें तो अप्रैल महीने में वो था 0.34% और अब हो गया सर 0.79%। एक बार और अहम बात है कि इस जो वैल्यू होती है एक महीने में एक गुड की या फिर एक सूचकांक की उसको कंपेयर करते हैं हम एक बेस वैल्यू से। यहां जो बेस ईयर है वो है 2004-05 और जो अगला आएगा उसमें बेस ईयर आपका क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा जहां पर रहेगा 2011-12 जो 2012 कह सकते हैं। तो ये था पहला आपका WPI और फिर है आपका CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसमें बात करते हैं वो उपभोक्ता की। एक उपभोक्ता को जो असर पड़ता है मूल्य वृद्धि से चाहे वो वस्तु के मूल्य वृद्धि हो या फिर सर्विसेज के मूल्य वृद्धि हो उसे कहते हैं उसका जो एक बेस बनता है सूचकांक वो है CPI। तो जो एक रिटेल इन्फ्लेशन था वो हो गया 5.76% जो पिछले महीने था सर आपका 5.47%। तो दोनों ही जो सूचकांक है चाहे वो CPI चाहे वो WPI हो दोनों ही सर हो गए ये बढ़ के हो गया 5.76% और वो हो गया सर आपका 0.79%। यहां पर अहम बात है कि हर साल और ये हर साल की बात तो नहीं पर हाँ पिछले साल से सरकार ने कहा था RBI से कि 5% तक आप इन्फ्लेशन रखो जनवरी 2016 तक जो कि उन्होंने कोशिश की। इस बार फिर से कहा गया है कि लगभग 5% के आसपास मुद्रास्फीति की दर रहेगी। तो कोशिश करते हैं उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन का रेट कम होगा और जो एक अनुमान लगाया सरकार ने और RBI ने उस पर हम अमल कर पाएंगे। तो ये था दो पार्ट आपके WPI CPI हमारी ब्रांचेस के अंदर डिटेल में व्याख्या करते हैं हम WPI की भी और CPI की भी।
अगला जो खबर जो एक है, जो हेडलाइन बना, जो कंट्रोवर्सी ज्यादा है, गॉसिप ज्यादा है, वो है उड़ता पंजाब मूवी के ऊपर सेंसर बोर्ड का जो एक कट्स का एक न्यूज था। सेंसर बोर्ड ने कहा कि करीब 89 कट्स वो लगाएगी इस मूवी पर, तभी इसे वो रिलीज करेगी। इस पर जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं अनुराग कश्यप जी, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया, कहा कि इतने कट्स अगर करेंगे तो मूवी का जो एक मूल आधार है वही मिट जाएगा। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पंजाब को एक नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव लाइट में दिखाए, और या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उस पंजाब के संप्रभुता पर असर पड़े, पहला बात। दूसरा बात, जो एक क्रिएटिव फ्रीडम है, जो एक छूट मिलती है एक फिल्म मेकर को मूवी बनाने की, उस छूट को रोका ना जाए अनैतिक तरीके से। अगर रोकना है तो उसे रीजन दिया जाए कि यह रीजन है जिस पर रोका गया। या एक और बात कही गई कि सर्टिफिकेशन करने का पूरा एक पावर है आप किसी व्यक्ति के पास, पर वह सेंसर नहीं कर सकती, क्योंकि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेंसरशिप सीबीएसई के अंतर्गत आती है। या अगर बात करें तो जो सीबीएफसी की पावर है कट करने की, डिलीट करने की, चेंज करने की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए मूवी के डिमांड पर, या फिर जो संविधान कहता है उसके अंतर्गत ऐसा कोई अनैतिक कट ना कहे जाए जिससे कि बार बार ऐसी चलचित्रों को, ऐसे मूवीज को हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। इस पर पहला जो पहला निलानी जी है जो कि सीबीएसई के चेयरमैन है, उनकी एक टिप्पणी आई जो साफ झलकाती है कि कहीं ना कहीं वो इससे खुश नहीं है, फिर भी जो सरकार ने कहा है तो उसको माना जाएगा। यहाँ एक और अहम पहलू यह है कि बिल्कुल पहले कट्स अधिक थे, पर बाद में जब रिवीजन कमेटी के पास वो कट्स वो मूवी पहुंची तो 13 कट्स कहे गए, पर अब एक कट के साथ मूवी को रिलीज किया गया है, और जो इच्छुक है इस मूवी को देखने को वो फ्राइडे को इस मूवी को देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये मुद्दा पंजाब का है तो पंजाब की जो इसमें वर्तमान सरकार है, जिसके जो सहायक जो जो एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ मतलब नहीं है मूवी से, मूवी का मसला जो है वो प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड के बीच है, इसीलिए उन्होंने कोई इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। तो हमारे पास आज तीन सुर्खियां थी, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हमने की, चाहे वो एनर्जी की बात की, और चाहे हमने बात की उड़ता पंजाब की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा टॉकिंग पॉइंट पसंद आता है। हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपको एक विषय ऐसा लाएं जिस पर हम टॉकिंग पॉइंट कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी क्रिटिसिज्म है या जो भी कॉम्प्लीमेंट है हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बिल्कुल बताएं, ताकि अगली बार हम इसे और बेहतर कर पाए। हमारी एक और मंशा है कि आप हमारे जितने वीडियोस हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज का हो, जीए का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का, उनको जरूर देखें, और वेट करें, हम एक दिन के अंदर ही आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का बूस्टर, जिसमें हम पिछले 3 से 4 महीनों का जो एक ड्राफ्टेड वर्जन है उसे सामने पेश करेंगे। इसी मंशा के साथ कि जो जिनका एसबीआई प्री क्वालिफाई हुआ उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ वो बिल्कुल तैयारी करें आगे के लिए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।